क्वाइन स्विच के ऊपर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आपको इश्यू हो रहा है तो कस्टमर सपोर्ट लेने के लिए हम लोग तीन मेथड को यूज कर सकते हैं। पहला है ईमेल, दूसरा है टिकट रेज करना एंड तीसरा है दोस्तों इसका चैट बॉक्स, यानी चैट बॉक्स में भी हम टेक्स्ट मैसेज करके भी कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ईमेल एंड टिकट रेज कैसे किया जाता है प्रॉपर वे में, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक दोस्तों, और बिना लाइक किए हुए तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। दोस्तों जैसा कि पता है कि MI 10i इंडिया में लॉन्च हो चुका है, आप अमेजन पे देखेंगे दोस्तों इसका बेस वेरिएंट 22,000 समथिंग में आपको मिल रहा है दोस्तों, यानी लगभग 22,000 में आपको बेस वेरिएंट मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि MI 10i आप भी खरीदे, क्योंकि इसका सबसे यूनिक चीज है दोस्तों की 108 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, तो कुछ तो यूनिक पॉइंट है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस फोन को खरीदने में तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको लिंक जरूर मिलेंगे दोस्तों, आप प्लीज वहां से जरूर खरीदिए। ठीक है, आपके तरफ से मेरे लिए बस इतना ही सपोर्ट रहेगा दोस्तों, आप कुछ भी खरीद सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। बहुत सारे आप देखेंगे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे दोस्तों तो बहुत सारे लिंक मिलेंगे, किसी भी लिंक के थ्रू पर जाकर अमेज़न से कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो दोस्तों। तो आप अगर चाहते हो मुझे सपोर्ट करना तो प्लीज सपोर्ट मी दोस्तों। क्वाइन स्विच के ऊपर पर मेरा ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और ये वीडियो 4th वीडियो है दोस्तों। फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे ये, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ वीडियो दोस्तों जो आप देख रहे हो, अब तक इतना सारा वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों। अब मैं ये वीडियो में आप लोगों को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था और थंबनेल जैसा आपने देखा है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मेल करना एंड टिकट रेज करना। आप देखोगे दोस्तों मैं ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में सभी वीडियो में बता रहा हूं कि ये ऐप जेन्युइन है, बहुत लोगों के इसके साथ, मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों के साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा इशू हो रहा है कि पेमेंट से रिलेटेड, विड्रॉल से रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड बहुत सारे समस्या हो रहे हैं इस ऐप में। तो ये इसके सर्वर का प्रॉब्लम है इस ऐप का, और इसका कस्टमर सर्विस थोड़ा पुअर है दोस्तों, तो ये दिक्कत है इनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फ्रॉड नहीं कर रही है, हर वीडियो में मैंने बोला है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था तो पैसे तो मेरे वापस आ गए दोस्तों। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप लोग देखोगे दोस्तों किस तरीके से मेल करेंगे। ठीक है, मैं बार बार कह दिया कि मेल का हो सकता है रिप्लाई लेट से आए, बट जरूर करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी करे तो आप हर एक तीसरे दिन पे मेल करो या टिकट रेज करो, एक ना एक दिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत 2-3 महीना लगाएंगे, नहीं, मैक्सिमम 10 दिन या फिर 1 वीक, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे इशू आ गए हैं और 1 by 1 दोस्तों ये देख रहे हैं, एक एक करके चेकआउट कर रहे हैं, किन्हीं का एक ही दिन में आंसर मिल जा रहा है, रिप्लाई मिल जा रहा है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जा रहा है, और किसी किन्हीं को काफी समय यानी 1 वीक भी लग जा रहे हैं। बट आप मेल कंटिन्यू करेंगे, टिकट रेस करेंगे तो आपको भी आपके समस्या का भी समाधान होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को मेल कैसे करें, फिर आफ्टर देन देखेंगे टिकट रेस किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और दोस्तों लाइक बिना किए हुए मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर, देख रहे हैं दोस्तों ये क्वाइन स्विच क्यूवर ऐप के होम पेज पर आ गए हूँ। अब यहाँ से सीधा हम लोग क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे यहाँ दिया होगा सपोर्ट सेंटर, ठीक है, जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ईमेल अस, दूसरा क्रिएट अ टिकट, एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे में ब्लू जैसा है दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर में, ठीक है, बॉटम के कॉर्नर पे देखिए राइट साइड में यहाँ आपको टेक्स्ट मैसेज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इनको मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने हालांकि इनको टेक्स्ट मैसेज कुछ कल मैंने किया था, ठीक है, तो यहाँ नीचे में मुझे यहाँ इन्होंने लिख कर भेजा है कि प्लीज़ रेज अ टिकट, आवर टीम विल असिस्ट यू फर्दर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि मेल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेल अस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मेल अस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट जीमेल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मेल कंपोज करने का सबसे पहला तरीका होता है उसे ग्रीट करते हुए, डियर सर, ठीक है, राइट। तो इससे हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो ऑलरेडी मैं टाइप करके रखा हुआ हूँ और यहाँ जस्ट मैं इसे पेस्ट कर दिया दोस्तों। तो आप यहाँ देखोगे एज इट इज़ आप लोग इसे उतारोगे, बस चेंजेस कहाँ करना है दोस्तों, तो चेंजेस आप यहाँ करोगे, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ,
आप गौर से देखेंगे चेंजेस जो है थोड़ा बहुत आप करेंगे यहाँ पर। आई हैव बीन फेसिंग एन इशू रिलेटेड टू ए पेमेंट विड्रॉवल। गौर से देखेंगे यहाँ पर आई हैव बीन फेसिंग एन इशू रिलेटेड टू पेमेंट विड्रॉवल। अगर जिनका प्रॉब्लम पेमेंट विड्रॉवल से रिलेटेड है, ठीक है, जिनका लग रहा है कि पेमेंट उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश किया, पेमेंट फंस गया, ना तो वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना तो बैंक अकाउंट में गया, तो वो सेम एज इट इज़ इन्हें ऐसा ही मेल उन्हें करेंगे, राइट। अगर जिनका लॉगिन से प्रॉब्लम है तो वहाँ सिंपल लिखेंगे आई हैव बीन फेसिंग एन इशू रिलेटेड टू लॉगिन, ठीक है। अगर जिनका डिपॉजिट से है तो पेमेंट डिपॉजिट, तो ऐसा आप लिखोगे। अब बाकी सेम, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपना यहाँ जरूर मेल में मेंशन करोगे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा उसे जरूर ऐड करेंगे। तो आप जस्ट ऐसे ही बिल्कुल आप उतार दो और इसे आप क्या करोगे दोस्तों, मेल कर दोगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करोगे, मेल कर दोगे। लेकिन मेल करने से पहले एक और चीज़ कहेंगे कि जो भी आपने पेमेंट किया होगा तो उसका कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास मैसेज में होगा या फिर ऐप में होगा, ठीक है। डिपॉजिट कर रहे होंगे तो बैंक अकाउंट का अगर पैसा कटा होगा तो उसका आप जो ट्रांजेक्शन आईडी होगा उसे जरूर फाइल को अटैच कर ले, ठीक है। तो जरूर अटैच कर लेंगे ताकि वो देख पाए कि ट्रांजेक्शन आईडी क्या है और ज़्यादा वो आपको असिस्ट कर पाएंगे। तो इस ढंग से आप लोग मेल कर पाओगे दोस्तों, ओके। तो ये बात हो गई है मेल करने की। अब चलिए हम लोग सीखेंगे सीधा कि टिकट रेज कैसे करते हैं, राइट। तो देखेंगे दोस्तों, क्रिएट ए टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आपका इंटरफेस खुलकर आएगा, ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा दोस्तों जिस चीज़ से रिगार्डिंग में आपका प्रॉब्लम है, जैसे पेमेंट विड्रॉल में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे रिलेटेड टू पेमेंट विड्रॉल इशू, ठीक है। यहाँ लिखना है इसी ढंग से लिखना है। अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे अनेबल टू लॉग इन, राइट। अगर किन्हीं को इशू डिपॉजिट करने में है या किन्हीं का पैसा डिडक्ट हो गया है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उसी ढंग से आपको यहाँ सब्जेक्ट देना होगा, ठीक है। किन्हीं का पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो लिखना है माई मनी डजंट रिफ्लेक्टेड इन टू द वॉलेट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम माई अकाउंट। इस ढंग से आप लोग लिख सकते हो, राइट। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी अनेबल टू withdraw my money, ओके। एंड यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्टर ईमेल, यानी यहाँ पर आप जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है यहाँ दे देंगे, राइट। फिर उसके बाद ईमेल आईडी दे देंगे यहाँ पर, सपोज ईमेल आईडी आप लोग भी दे देंगे अपने मन से, जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। एंड यहाँ दोस्तों नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और देखने के ईमेल आईडी के नीचे आपका नाम भी पूछा जा रहा है, तो जो एक्चुअल में आपका नाम है जो इस ऐप में आपने रजिस्टर्ड किया है वो दे देंगे, और उसके नीचे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो दे देंगे, राइट। एक्स वाई जेड कुछ भी हो। अब यहाँ ध्यान रखेंगे इशू टाइप जरूर मेंशन करेंगे, जिस प्रकार का आपका इशू है तो आपको देखना है किस प्रकार का इशू है। अकाउंट रिलेटेड इशू है, अगर आपका किन्हीं का अकाउंट ओपन ही नहीं रहा तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। केवाईसी से रिलेटेड, अगर किन्हीं का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, रेफरल प्रोग्राम से रिलेटेड इशू हो, या डिपॉजिट इशू हो, विड्रॉवल इशू हो, या फिर कुछ और, या आप यहाँ चूज कर लोगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग, या किन्हीं का मोबाइल एप्लीकेशन ही खुल नहीं पा रहा हो तो उसके रिगार्डिंग में मोबाइल एप्लीकेशन एरर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा भी इशू हो आप लोग चूज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ अगर किन्हीं का विड्रॉल इशू है तो यहाँ विड्रॉल इशू चूज कर लेंगे, और यहाँ आपको लिखना होगा आई एम फेसिंग इशू एट, ठीक है। क्या आपको आपके साथ इशू हो रहा है, आई हाउ टू विड्रॉ इंडियन रुपीज टू माई बैंक अकाउंट, ठीक है, या विड्रॉल पेंड। अगर किन्हीं का विड्रॉल पेंडिंग है, विड्रॉल फेल्ड हो गया है, या फिर विड्रॉल डिसेबल्ड हो गया, विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, तो वो ऑप्शन आप लोग चूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसी ढंग से चूज कर लोगे। जो मैंने मेल में लिखा है दोस्तों, छोटे शब्द में, उतना डिटेल नहीं जाना है, सिंपल शब्दों में आप लोग यहाँ लिखोगे कि कब से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
कब आपने अटेम्प्ट किया था, चाहे विड्रॉ करने का या लॉगिन करने का या फिर डिपॉजिट करने का, वो डिटेल यहाँ पर आप दे दोगे, राइट। और ध्यान रखें लास्ट में जो अटैच फाइल है ये बिल्कुल देना, अटैच करना ना बोले। अगर आपका पैसा डिडक्ट हुआ है, डिपॉजिट आपने किया है, पैसा डिडक्ट हुआ आपके अकाउंट से, बट इसके वॉलेट में शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर जब भी डिडक्ट हुआ होगा तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी जरूर मैसेज आया होगा, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी को आप यहाँ पर जरूर अटैच कर दे, यानी उस मैसेज को स्क्रीनशॉट ले ले और उसको अटैच जरूर कर ले। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट इस पर आप लोग क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है खुद को, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेना है, जैसे यहाँ ट्रैफिक लाइट्स बोल रहा है तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक लाइट्स है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद आप इसे ओके कर लीजिए, राइट। अभी और भी है, पूछ रहा है पार्किंग मीटर्स, तो चलिए इसे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आप लोग जस्ट इसे क्या करोगे, सबमिट पे बटन करोगे, सबमिट चला जाएगा दोस्तों। तो इस ढंग से आप लोग टिकट रेज कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि मैं दोनों चीज़ों आप लोगों को बता पाया हूँ कि ईमेल कैसे करते हैं, टिकट रेज कैसे करते हैं। तो जिनका जिस प्रकार का इशू है तो प्लीज़ उसी ढंग से आप लोग दोनों का यूज़ ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब राइट नाउ। ओके दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।